मेरे घर के पास में एम्स बिलासपुर बन रहा था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुझे तो डॉक्टर बनना चाहिए कि एम्स बिलासपुर बन रहा है पास में। मैंने फिर यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी कि अगर आपका कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप NIT CAMPA कर सकते हो। देखो कि दोस्त वगैरह तो सर मजे मार रहे हैं, तो मैं भी मजे मजे वगैरह मारने लग कर जाऊंगा। फिर कुछ जनवरी में जाके पता लगा यार कुछ अब करना पड़ेगा। मैं जनवरी में सर इधर आ गया। मैथ्स में शायद मेरे -12 या 15 मार्क्स आए थे पिछले लास्ट दो हजार ईयर। मेरे माइंड में यही सब चल रहा था सर, अपना तो हो ही जाएगा सर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पे मैंने टाइम भी दे दिया। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इंपेटस में तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो सब। तो मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं इधर आ गया। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, ऋषभ से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 268 है, जो कि हिमाचल से हैं और इन्होंने भोपाल क्लासरूम में आके स्टडी की। और सबसे पहले तो ऋषभ आपको 268 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का मैथ्स स्पेशली वीक है या जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, अगर वो ऋषभ की बात सुनेगा और समझेगा तो मुझे लगता है डर दूर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप लेके दिया जरूर है। पर इनकी सक्सेस जर्नी पहले आप सुनो, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से, मतलब निमसेट 23 में जिसमें मैथ्स में मार्क्स नहीं थे, उस बच्चे का 268 रैंक एक साल में लेके आना क्या मायने रखता है आप समझ सकते हो। तो ऋषभ, आपकी जो इंटायर जर्नी है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप वो बताओ, कब सोचा और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की। हेलो, माय नेम इज ऋषभ चंदेल एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने प्लस वन और प्लस टू में मैंने PCB से करी, मेरा मैथ्स नहीं था। बायो से करा आपने? हाँ, बायो से करा है मैंने। मेरे घर वाल मेरे घर के पास में एम्स बिलासपुर बन रहा था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुझे तो डॉक्टर बनना चाहिए कि एम्स बिलासपुर बन रहा है पास में। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण मुझे पता नहीं था कि जो एक नीट का एग्ज़ाम भी रहता है जो प्लस टू में देना पड़ता है, तो मुझे वो प्लस टू में आके पता लगा कि नीट का भी एक कोई एग्ज़ाम होता है। तो सर उस टाइम फिर लॉकडाउन भी लग गया था, तो सर पढ़ाई वढ़ाई सर मेरी पूरी छूट ही गई थी। उस टाइम मैं गेम्स वगैरह खेलता था बस। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 118 मार्क्स थे बस। और सर मेरा मन भी नहीं था मेडिकल फील्ड में जाने का। तो मैंने फिर यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी कि अगर आपका कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप NIT CAMPA कर सकते हो। तो सर मैंने फिर एक लोकल कॉलेज में BCA के लिए एडमिशन ले ली। और अब लोकल कॉलेज में क्या था कि सर उधर एक इन्वायरमेंट नहीं था पढ़ाई का, उधर सारे बच्चे सर ऐसे ही कर रहे थे कि उनको बस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी। लेकिन सर मैं उधर आई थिंक मैं अकेला बच्चा था जो कोडिंग वगैरह करता था उधर। और सर इन्वायरमेंट ना होने के कारण सर मैं बस एक दो महीने कोडिंग करूँगा, उसके बाद सर देखूँगा कि दोस्त वगैरह तो सर मज़े मार रहे हैं, तो मैं भी मज़े वगैरह मारने लग जाऊँगा फिर। तो ऐसे ऐसे सर मेरे 2 साल चले गए और मैंने कुछ पढ़ा नहीं। और BCA के पहले 2 साल? हाँ ठीक है। और हाँ, BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मैथ्स भी था, उसमें मेरी बैक आई थी, मेरे 20 मार्क्स भी नहीं आए थे 80 से। और सर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो उन्होंने सर जितने भी मेरे मैथ्स के आगे सब्जेक्ट आए उसमें तो सर मैं ऐसे ही पास होता गया और मेरी परसेंटेज भी अच्छी आ रही थी। लॉकडाउन ने बहुत आपको सपोर्ट कर दिया? हाँ सर, वरना बहुत ज़्यादा सर बैक वगैरह लगती मैथ्स में सभी में। और सर 6th सेम में भी मेरी मैथ्स थी, लेकिन वो कॉलेज लेवल की मैथ्स थी, तो वो सब मैंने पढ़ ली। लेकिन सर उसका NIMCET में कोई यूज़ नहीं था। सर मैंने स्टार्टिंग में सोच के आया था कि मैं 3rd ईयर में NIMCET की प्रेपरेशन करूँगा इम्पेटस भोपाल से। लेकिन सर फिर पता नहीं क्या हुआ सर, मैं दोस्तों के बीच में ऐसे इन्जॉयमेंट कर रहा था सर, वो भी मेरा 3rd ईयर भी चला गया ऐसे। फिर मुझे जनवरी में जाके पता लगा यार कुछ अब करना पड़ेगा। मैं जनवरी में सर इधर आ गया। तो एग्ज़ाम के लिए उस टाइम सिर्फ 4 महीने बचे थे आई थिंक। तो मैंने उस टाइम सर पढ़ना चालू किया। उस टाइम आप कैलकुलस की क्लासेस ले रहे थे सर, मैंने आज तक मैथ्स का कुछ पढ़ा नहीं है। मैं डायरेक्ट सर उन क्लासेस में जाके बैठ गया, मुझे सर कुछ पता ही नहीं लग रहा उधर जाके। सर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने आपसे बात करी थी तो आपने बोला था कि आप एलजेब्रा पहले स्टार्ट करो। सर फिर मैं इधर आया तो बच्चों ने बोला तू तो बहुत पहले आ गया, तुझे तो अभी 24 में देना एग्ज़ाम। सर मुझे पता था 23 में तो मेरा हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने सर मैथ्स का भी पढ़ा नहीं था। तो सर वैसे मैंने आपके पुराने लेक्चर देखना चालू किए। और जब सर NIMCET का एग्ज़ाम आया
तो मुझे सर 2D वगैरह थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी थी, एल्जेब्रा का भी थोड़ा बहुत आता था मुझे। मैंने सोचा सर ऐसे ही पिक्चर वगैरह मार के आ जाऊँगा मैं। तो सर उधर मैं गया, सर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें सर LR मेरी अच्छी थी, LR में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन मैथ्स में शायद मेरे -12 या -15 मार्क्स आए थे पिछले लास्ट 2023 पे बाहर 23 में, और उसमें कोई रैंक भी नहीं आया था। लेकिन सर मुझे पता था मैं कर लूँगा, ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि सर मैंने बहुत टाइम पहले से सोच के रखा था ये सब। फिर सर मैं फिर से वापस आया भोपाल, भोपाल में वापस आया, फिर से मैंने स्टडी चालू करी। और सर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नॉन मैथ्स का बनता हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे इधर सारे कर रहे थे सर, मेरा या तो उनके जैसे स्कोर आते थे या उनसे भी अच्छे आते थे। तो सर वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हाँ अच्छी रैंक आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मैथ्स नहीं है तो मैं कर नहीं सकता। और सर मेरे जो भी टेस्ट वगैरह रहते थे उनमें अच्छे ही मार्क्स आते थे। आखिरी में भी सर जब मैंने मॉक देना चालू करे थे, और पेपर को भी सर मैं काफ़ी अच्छे से हैंडल करता था, जो आपने जो भी कुछ बताया था वो सभी मैंने इम्प्लीमेंट किया, और इधर उधर मैं भटका नहीं सर। जैसे बहुत से मेरे दोस्त वगैरह भी थे, वो सर YouTube वगैरह इधर उधर से देखना चालू कर दिए थे आखिरी में। सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जो भी आपने बोला वो तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, और खुद से भी बहुत कुछ किया। फिर बस सर हो गया फिर। बिल्कुल सही बोला, पर देखिए आप सब बच्चे एक बात ध्यान रखिए जब ये सेशन सुन रहे हो, कि ऋषभ का पहले तो 11th 12th मैथ्स था ही नहीं, बायो बैकग्राउंड था तो सिंपल सा लॉजिक था, मैथ्स पढ़ी ही नहीं। फिर BCA के दौरान भी मैथ्स नहीं पढ़ी, पहले 2 साल मस्ती में निकल गया, फिर कोविड ने सारा सपोर्ट कर दिया जो उसने ऑनेस्टली बताया। फर्स्ट ईयर मैथ्स में निगेटिव मार्किंग थी इसलिए रिजल्ट दिया है। आप याद रखिएगा निम सेट में अगर मैथ्स में 0 या निगेटिव मार्किंग है इसका मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद भी क्लियर था कि नहीं मैं कर लूंगा, और करा भी, और 268 रैंक लेके भी आया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऋषभ जब आपके नेगेटिव मार्क्स आए तो आपके जिन दोस्तों के साथ मस्ती करते थे उन्होंने भी और बाकी लोगों ने भी बोला ही होगा कि भाई तू तो मैथ्स पे अभी कर नहीं पाया, कैसे करेगा मैथ्स के बिना तो, और सच भी मैथ्स के बिना तो निम सेट में रैंक आना मुश्किल है। तो उसको कैसे चैलेंज फेस किया और क्या क्या चीजें थी जो आपने ध्यान रखी? तब जब सर जब मेरे दोस्तों को पता लगा कि सर मेरे माइनस में आए हैं, और काफ़ी सारे मैं सर सीनियर से भी बात किया करता था उसमें, तो उन्होंने तो बोला तेरा हो नहीं पाएगा। और सर मैं हॉस्टल में रहता था तो वो भी सोच रहे थे तू क्या ही कर लेगा, माइनस में तेरे मार्क्स आ रहे हैं तो तेरे से क्या ही होगा। लेकिन सर मुझे एक सेल्फ बिलीव था कि सर मेरा तो होगा सर, क्योंकि मैं खुद को बचपन से जानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ सर वो तो मैं कर ही लेता हूँ। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब आप सेल्फ बिलीव हो, और जो मैं कर सकता हूँ अगर वो मुझे पता है वही लोग कुछ कर पाते हैं। अच्छा जब आप पेपर देने गए तो क्या थॉट था दिमाग में और किस तरह से पेपर को हैंडल किया? सर जब मैं पेपर देने गया सर मेरे माइंड में यही सब चल रहा था, सर अपना तो हो ही जाएगा सर। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी लाइन थी, क्योंकि कई लोग ये सोचते कि पता नहीं होगा कि नहीं, वही चीजें कई बार होते हुए बच्चे का नहीं होता। फिर सर आपने भी सर सभी प्रकार के मॉक्स दे रखे थे, जेई मेंस लेवल के बहुत ज़्यादा हार्ड भी दिए थे, और जब भी आप हार्ड मॉक डालते थे तो सर मेरी उसमें अच्छी रैंक आया करती थी। जब आप इजी डालते थे तो मेरी थोड़ी सी 50-60 से ऊपर चली जाती थी, कई बार 100 से भी ऊपर चली जाती थी। लेकिन जब भी आपका हार्ड मॉक रहता था तो मेरी 20-30 के अराउंड ही रहती थी। तो मुझे पता था सर हो जाएगा। जब पेपर देने में लगा सर मुझे पता लग गया थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर आया ये। लेकिन सर जो आपने बोला था सर आप क्वेश्चंस को स्किप करते जाओ, वैसे सर मैंने किया, जो नहीं बन रहा वो मैं छोड़ता गया। और हाँ कुछ क्वेश्चंस पे मैंने टाइम भी दे दिया, जैसे कि सर मैंने कुछ टॉपिक जो थे वो बहुत अच्छे से पढ़े थे, जिनका सर वेटेज काफ़ी अच्छा है, जैसे वेक्टर प्रोबेबिलिटी ये सब सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे। वेक्टर के तो अब उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिए थे सर, मैं उनमें फंस गया था, और मुझे पता भी था ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, तब भी मैं उनको करने लग गया, और मैंने 4-5 मिनट ऐसे ही दे दिए और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन सर मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया उस बात का, मुझे पता था सर हो जाएगा, LR मेरी अच्छी है, LR में भी गया तो सर मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे उसमें भी, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो 30 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और कंप्यूटर सेक्शन में सर मैंने 16 किए थे आई, और 81 आए थे मेरे कंप्यूटर में, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर था कंप्यूटर में। और ओवरऑल स्कोर कितना आया? सर ओवरऑल मेरा 466.5 था। अच्छा आप अपने जूनियर्स को जिनका स्पेशली मैथ्स वीक होता है या 11th 12th में मैथ्स नहीं होता,
उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पीटस आए हो, जीरो हो, प्लस हो, फर्क नहीं पड़ता, सीख जाओगे, पर आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आपने तो जीरो से सीखा हुआ है। सर मुझे लगता है सर अगर आपका मैथ्स नहीं है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इम्पीटस में तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो सब कुछ, और आपको बस ध्यान रखना है कि एक तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि निमसेट पूछ क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। निमसेट जेई से बिल्कुल डिफरेंट है, कई बच्चे रहते हैं जो जेई वगैरह का पढ़ने लग जाते हैं, वो निमसेट में आता ही नहीं है ऐसा कुछ, उधर बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो जो सर बता रहे हैं आपको बस वही फॉलो करना है, आपका हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक आएगी। मेरी 268 आई है और मुझे लगता है मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, लेकिन आपका हो जाएगा इतने से। और कल आपने अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, पहले तो आप हिमाचल से आने नहीं वाले थे पर आप आए, तो अब बताओ कि कैसा लग रहा है? क्योंकि आप थोड़ा दूर था कुछ कारण से, पर फिर भी किसी तरह कोशिश करके आए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? और अवार्ड सेरेमनी में बहुत लोगों को सुना, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखी जो आपके लाइफ में काम आएंगी? सर पहले तो मैं आने नहीं वाला था सर, लेकिन उसके बाद आपने बोला सर, तो फिर मैंने प्लान चेंज किया और मैं इधर आ गया। और मुझे लगता है सर ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं इधर आ गया, और काफ़ी हमने इंजॉय भी किया, काफ़ी कुछ सर सीखने को भी मिला, और सर बहुत सारे लोगों ने सर अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई सर, आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए। गुड, तो ऋषभ अब आप ऐसे ही आगे NIT में भी जाके अच्छी प्रोग्रेस करो। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये बात, जब जीरो मैथ से इतना अच्छा हो सकता है तो अब आप लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। और आपको सेल्फ बिलीफ, पहले ही पेपर देते समय आपका बिल्कुल क्लियर था कि मेरा तो हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा ये थॉट के साथ जाए ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है, तो अच्छी बात है। तो अब आप ऐसे ही NIT में भी बहुत ग्रो करो और आगे बढ़ो, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट। इनफैक्ट जिस जगह से आप आए हो वहाँ पे एजुकेशन का इतना एटमॉस्फेयर नहीं है, उधर पे भी आप अवेयरनेस बढ़ाने का काम। यस, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।